हम सीखने वाले हैं चेंज केस कमांड का प्रयोग करना। चेंज केस कमांड होम टैब पे आने वाला एक बहुत ही यूजफुल कमांड है, जिसका यूज लिखे गए मैटर को कैपिटल, स्मॉल या अलग अलग केस में करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम कोई मैटर लिखते हैं, दिस इज कंप्यूटर क्लास, दिस इज कंप्यूटर क्लास, तो आपने देखा जैसे मैंने मैटर लिखा तो ये पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हैं। तो ये जो मैटर है ये बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो अगर इस मैटर को मैं कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दूं और मुझे इस मैटर को सभी अल्फाबेट्स स्मॉल में चाहिए, तो इसके लिए हम लोअर केस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर इस मैटर को हमें सभी कैपिटल लेटर में चाहिए तो हम अपर केस का प्रयोग करेंगे। इस मैटर में प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को अगर कैपिटल करना हो तो हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करते हैं। और ट्रायंगल केस जो होता है ये पहला लेटर स्मॉल बाकी सभी को कैपिटल कर देता है। लेकिन अगर हमारा मैटर अपर केस में है और इसको हम ट्रायंगल केस करते हैं तो ये सभी को स्मॉल कर देगा। ये देखिए, अगर स्मॉल है और इसे हम ट्रायंगल करते हैं सभी को कैपिटल कर देगा। यानी कि ट्रायंगल केस जस्ट अपोजिट काम करता है, जो लेटर कैपिटल उसको स्मॉल और जो स्मॉल उसको कैपिटल करता है।